मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 और बड़ी खास खबरों का। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दीपावली के पावन अवसर पर दीपोत्सव के साथ शीतकालीन कपाटबंदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री में सबसे पहले कपाटबंदी होती है। वहीं इस बार गंगोत्री धाम में आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर कपाट बंद किए जाएंगे। IIT कानपुर आज अपना 65वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन इस अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा एवं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के जिला स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव लाल टिपारा गौशाला में गौ पूजन एवं गोवर्धन पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं होंगी, साथ ही गौवंश के दूध व गोबर से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं देंगे, जो गुजरात में नए साल के जश्न के साथ जुड़ा हुआ है। पटेल विक्रम संवत 2081 के पहले दिन आज सुबह 7 बजे गांधीनगर में पंचदेव मंदिर जाकर नए साल की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सुबह 7:30 पर अडालज में त्रिमंदिर में पूजा करेंगे। वहीं CM नागरिकों को बधाई देंगे और कैबिनेट आवास परिसर में सामुदायिक केंद्र में नए साल की शुभकामनाओं का आदान प्रदान करेंगे। राजस्थान के जयपुर में आज जैन समाज के युवा सम्मानित होंगे। बता दें कि दिगंबर जैन युवा एवं महिला संगठनों की प्रदेश स्तरीय पंजीकृत प्रतिनिधि संस्था राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर का दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन आज किया जाएगा। आज बीकानेर में बंद रहेगी सब्जी मंडी। बता दें बीकानेर फ्रूट वेजिटेबल मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट्स सोसाइटीज के अध्यक्ष अरविंद मिड्ढा ने बताया कि 2 नवंबर यानी आज फल सब्जी मंडी में पूर्णतः अवकाश रहेगा। वहीं 3 नवंबर रविवार को फल सब्जी मंडी पूरी तरीके से खुली रहेगी। राजस्थान के बांसवाड़ा के गणपति मंदिर में आज अन्नकूट पर्व मनाया जाएगा। बता दें कि पंचनागदा मेनारिया ब्राह्मणा समाज बांसवाड़ा कार्यकारिणी व नवयुवक सदस्यों की बैठक मंगलवार को मनोहर लाल जोशी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आज श्री गणपति मंदिर में अन्नकूट पर्व मनाने का निर्णय लिया। शाम को आरती के बाद महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। दीपावली एवं छठ पर्व पर यात्रियों की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कामाख्या के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। इसका संचालन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आज भी संचालित रहेगा। इसमें तृतीय श्रेणी के 13 वातानुकूलित, तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के 2 वातानुकूलित, द्वितीय श्रेणी के 2 समेत कुल 20 कोच लगाए जाएंगे। राजस्थान के भैसावा गांव में हर वर्ष लगने वाला मेला आज आयोजित होगा। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष रामचंद सोनी ने बताया कि इस वर्ष रावण दहन शनिवार 2 नवंबर यानी आज होगा तथा उसी रात्रि नरसिंह लीला का आयोजन होगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी, मध्य और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर हल्की दर्ज की वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1885 में आज ही के दिन मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले प्रसिद्ध नाटककार अण्णा साहेब किर्लोस्कर का निधन हुआ था। साल 1929 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राममोहन का जन्म हुआ था। साल 1965 में आज ही के दिन हिंदी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का जन्म हुआ था। साल 1999 में आज के दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिकी केंद्रों पर अज्ञात लोगों के द्वारा रॉकेट से हमला किया गया था। साल 2005 में आज के दिन गुलाम नबी आजाद ने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।